स्टोरी विद अरुण सुन रहे आप तमाम श्रोता सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रोता नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और ये समय है प्राइम टाइम नॉवेल का, यानी कि रात्रि कालीन प्रस्तुति। प्राइम टाइम नॉवेल में आज से आप लोग सुनेंगे सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर्ण नॉवेल सीरीज षड्यंत्र। इसी सीरीज को आज से आप लोग धारावाहिक रूप में मेरे इसी चैनल पर आप लोग सुन सकेंगे। षड्यंत्र नॉवेल सीरीज में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री उपन्यास। आज इस उपन्यास और इस सीरीज का पहला एपिसोड आप लोग सुनेंगे। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर्ण नॉवेल सीरीज षड्यंत्र। सुनिए इसी सीरीज की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड आरजे अरुण के साथ। प्रस्तुत उपन्यास के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इनका कतई कोई संबंध नहीं है, समानता संयोग से हो सकती है। उपन्यास का उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। प्रस्तुत उपन्यास में दिए गए हिंसक दृश्यों, धूम्रपान, मध्यपान अथवा किसी अन्य मादक पदार्थों के सेवन का चैनल या आरजे कतई समर्थन नहीं करते। इस प्रकार के दृश्य पाठकों को इन कृतियों को प्रेरित करने के लिए नहीं बल्कि कथाना को वास्तविक रूप में दर्शाने के लिए दिए गए हैं। तड़पती हुई और भयानक चीख डिसूजा होटल के जर्रे जर्रे को दहला गई। रिसेप्शन पर बैठी होटल की मालकिन मैडम हरेश भ्यातुर उछल पड़ी। रिसेप्शन हॉल में मानो भूचाल आ गया हो। ग्राहकों का रेला चीखता चिल्लाता बाहर को भागा। बच्चों और औरतों की चीखों से हॉल गूंज पड़ा क्योंकि वे भागती भीड़ के कदमों तले कुचल रहे थे। धड़ाम धड़ाम कुर्सी और मेजे भागदौड़ के कारण फर्श पर ढेर होकर शोर उत्पन्न कर रही थी। खून खून खून, भागो भागो, अनेक स्वर भागते हुए ग्राहकों के बीच से उभर रहे थे। मैडम फरेश खौफ के वशीभूत होकर पीपल के सूखे पत्ते समान कांप रहा था। सारे वेटर रेलिंग लगी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सेकेंड फ्लोर पर जा रहे थे। मैडम फरेश भी सेकेंड फ्लोर पर पहुंची। सेकेंड फ्लोर पर 5 कमरे थे, 4 पर ताले लगे हुए थे, सिर्फ एक कमरे के दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। दोनों पल्लों के बीच थोड़ी सी झिरी खुली थी। क्या हुआ, चीख कैसी थी? मैडम फरेश ने दरवाजे को घूरते हुए वेटरों से सवाल किया। उसके जिस्म की तरह जुबान भी कांप रही थी। भयभीत वेटरों में से किसी ने भी अपनी मालकिन को जवाब नहीं दिया। वे सब बौखलाई अवस्था में दरवाजे को घूर रहे थे। दरवाजा खोलो, सबको सांप सुन गया। सुना नहीं तुम लोगों ने? मैं कहती हूं दरवाजा खोलो। सब वेटरों ने एक दूसरे के मुंह को ताका। पीटर, दहाड़ी मैडम फरेश, उसकी दहाड़ में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी। ये सब बुजदिल है, तुम दरवाजा खोलो। मैडम, पीटर घिघियाया, क्या बकरी की माफिक मिमियाता है मैन? मैं कहती हूं कि दरवाजा खोलो। पीटर ने बड़ी मुश्किल से थूक सटका, वो पसीने से भीग चुका था। उसने कांपकांपाती उंगली से छाती पर क्रॉस बनाया और फिर मरी हुई चाल से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाकी सभी सहम कर पीछे हट गए। ची ची चिर हवा के तेज झोंके चले और भयानक ध्वनि के साथ दरवाजे के दोनों पल्ले पीछे को सर गए। पीटर चीख मारते हुए पीछे को हटा, बाकी वेटर भी चीख मारकर पीछे को हटे। दो वेटर सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे हॉल के फर्श पर जा गिरे। चिर
दरवाजा अपने आप ही खुलता जा रहा था। सबके सब भयभीत हो रेलिंग से चिपक गए। रेलिंग से परे नीचे रिसेप्शन हॉल का फर्श था। सबके रंग स्याह हो चुके थे, जिसमें पसीने से लथपथ थे। दिल की धड़कन घबराकर भयानक शोर के साथ नाक के छिद्रों से निकल रही थी। मानो खुलते जा रहे दरवाजे के पीछे भयानक मौत मुंह फाड़े खड़ी थी और उन सब पर झपटने वाली थी। लेकिन खुले दरवाजे के पार कुछ भी नहीं था। सब गहरी और ठंडी सांसें भरने लगे अपने फेफड़ों में। पीटर, यस यस मैडम, मेरे साथ कमरे के भीतर चलो। नहीं मैडम, पीटर का स्वर रुआसा था। शट अप, यह हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है। मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम के शब्दों ने उनके पेटों पर लात मारने की धमकी देकर दिल में समाये भय को कुछ कम किया। पीटर मैडम फ्रेश के साथ कमरे की तरफ बढ़ा। बाकी वेटर भी उनके पीछे थे। ये बात दूसरी थी कि वो सब बुरी तरह से भयभीत थे। नहीं, एक भयानक चीख जिसमें मैडम फ्रेश और पीटर का साझी स्वर था। वे सब गिरते पड़ते बाहर को भागे। मैडम फ्रेश ने रिसेप्शन पर सिर टिकाया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। थोड़ा संयत होने पर वो फोन पर झपट पड़ी। उसकी कांपती हुई उंगलियां इंस्ट्रूमेंट के डायल पर पुलिस स्टेशन के नंबर रिंग कर रही थी। व्हाट नॉनसेंस, भारत रिवॉल्विंग चेयर से उछल पड़ा। उसके कान से लगा रिसीवर कपकपाया। उसके मुंह से निकले शब्द माउथपीस में घुसने लगे। इस वक्त दोपहर के 12:15 है और होटल डिसूजा तो भीड़ वाली स्ट्रीट में है, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। ओह ठीक है, मैं बहुत जल्द वहां पहुंच रहा हूं, कहकर उसने रिसीवर इंस्ट्रूमेंट के क्रेडल पर पटका। कौन था गुरु, मेज के परे बैठे अंतरिक्ष ने पूछा। इंस्पेक्टर राघव का फोन था, भारत उसकी तरफ मुड़ा। साहनी स्ट्रीट में स्थित होटल डिसूजा में अब से ठीक 15 मिनट पहले यानी पूरे 12:00 कत्ल हो गया है। फट, अंतरिक्ष चौंका। कमाल है, दिन के 12:00 और रिसेप्शन हॉल में इतना रश होते हुए होटल में किसी का कत्ल हो गया। कातिल की हिम्मत को नमस्कार करना पड़ेगा। जल्दी से चलो गुरु, वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। आकाश को भी ऐसे में बाहर जाना था। दोनों उठ खड़े हुए। तभी हड़बड़ाती हुई मीनाक्षी ने ऑफिस में प्रवेश किया। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर दोनों बुरी तरह चौंके। वे पहली बार मीनाक्षी को इतना नर्वस देख रहे थे। क्या बात है मीनाक्षी, भारत ने पूछा। इतना क्यों घबरा रही हो, क्या बात है, कुछ भी तो नहीं। मीनाक्षी ने अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की चेष्टा करते हुए कहा और चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर पसीना पोंछने लगी। मीनाक्षी, भारत उसके पीछे जा पहुंचा। होटल डिसूजा में कत्ल हो गया है। कत्ल, मीनाक्षी कत्ल के नाम पर उछली। हाँ कत्ल, लेकिन तुम चौंकी क्यों, नहीं तो कहकर मीनाक्षी थोड़ा आगे खिसकी। तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? मैं नहीं, मुझे दूसरे केस को डील करना है। आओ गुरु, अंतरिक्ष बाहर को लपका, भारत भी उसके पीछे लपका। कमाल है, वो बड़बड़ाया। मीनाक्षी को आज न जाने क्या हो गया है। अंतरिक्ष ने लॉन में खड़ी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। उसके पीछे भारत बैठा। मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ी जा रही थी और उनका गंतव्य था डिसूजा होटल, जहां पे ये कत्ल हुआ था। डिसूजा होटल बाहर सड़क पर लोगों का हुजूम इकट्ठा था। दो राइफलधारी कांस्टेबल भीड़ को कंट्रोल करने में लगे थे। भारत और अंतरिक्ष को दोनों कांस्टेबलों ने सलाम मारा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध डिटेक्टिव को जानते थे। दूसरे भारत आईजी बलदेव सिंह का छोटा भाई था। कत्ल कहाँ हुआ है,
भारत ने रिसेप्शन के पीछे बैठी मैडम फ्रेश से सवाल किया। घबराई मैडम फ्रेश के मुख से शब्द नहीं निकल सके। उसने उंगली उठाकर सेकंड फ्लोर के वारदात वाले कमरे को इंगित किया। दोनों कांस्टेबलों के सलाम का जवाब देते हुए सीढ़ी चढ़कर कमरे तक पहुंचे। इंस्पेक्टर राघव उन्हें दरवाजे पर टकरा गया। राघव भारत के भाई आईजी बलदेव सिंह का साला है, आओ भारत। राघव ने लपक कर दोनों का स्वागत करते हुए कहा, कत्ल इसी कमरे में हुआ है, लाश भीतर है। बेड पर लाश थी, लाश के सीने में सुनहरी मूठ का चाकू धंसा हुआ था। लहू का फव्वार लाश की छाती से रिस कर बेड को सान रहा था। मृतक सांवले रंग का था, उसके चेहरे पर घनेरी मूछे थी, जिस्म पर सलेटी रंग का बिना कॉलर वाला कुर्ता और बेल बॉटम नुमा पैजामा था। कोई वस्तु छेड़ी तो नहीं गई? नहीं अंतरिक्ष बेटे, राघव ने जवाब दिया। अंतरिक्ष कमरे का मुआयना करने लगा। सब सामान अपनी जगह पर था और सलीके से था। लाश के बोझ तले दबी बेडशीट पर भी कोई सलवट नहीं थी, संघर्ष का कोई भी निशान नहीं था वहां पर। तभी उसकी दृष्टि खुली हुई खिड़की पर जाकर अटक गई। वो खिड़की पर झपटा। खिड़की होटल के पिछवाड़े खुलती थी। नीचे बंद गली में होटल का कूड़ा करकट पड़ा था। खिड़की के बराबर में से होटल का सैनिटरी पाइप नीचे तक चला गया था। कातिल इसी पाइप से चढ़कर आया था और कत्ल करने के बाद इसी पाइप से नीचे गली में उतरा और गली की दीवार फान कर दूसरी तरफ पार्क में कूद कर फरार हो गया। वो बुदबुदाया और फिर पलट कर लाश का मुआयना कर रहे भारत के पास जा पहुंचा। उसने कातिल द्वारा प्रयोग किए रास्ते का बयान कर डाला। कुछ पता चला? राघव ने पूछा। कुछ कुछ, भारत बोला। मृतक नशे में धुत सो रहा था, इसके मुंह से शराब की दुर्गंध फूट रही है। वे दो थे। वो कैसे? राघव ने पूछा। मृतक के दोनों हाथ सिर के ऊपर से होकर बेड के सिरहाने से नीचे लटक रहे हैं। कोई कैसे भी नशे में हो, किंतु सीने पर चाकू धंसने के बाद मारे पीड़ा के उसके हाथ स्वतः ही चाकू पर या जख्म के आसपास आ जाते हैं, जबकि इसके दोनों हाथ बेड से नीचे लटक रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि, राघव ने कहा, शराब पीने के बाद गहरी नींद या नशे में हो तथा चाकू दिल में धस जाने के साथ ही मर गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तुम देख रहे हो कि लाश का मुंह भी खुला है और आंखें भी फटी हुई सी है, यानी कि ये मरने से पहले काफी तेज चीखा होगा। इसकी आंखों में मौत का भय अस्पष्ट चमक रहा था, लेकिन कोई आश्चर्य के चिन्ह नहीं इसकी आंखों में, यानी कि कातिल इसके लिए अनजान ही थे, ना वे नकाब चढ़ाए हुए थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कत्ल दो से ज्यादा ने किया है। एक ने मृतक के दोनों हाथों को जकड़ लिया और दूसरे ने चाकू से वार किया इसके सीने पर। मृतक काफी तेज चीखा, लेकिन हाथ जकड़े होने की वजह से ये चाकू से वार करने वाले का मुकाबला नहीं कर सका। ये मर गया और इसके दोनों हाथ बेड से नीचे लटके रह गए। राघव भारत के गैस का कायल हो गया। तुमने होटल के मालिक और वेटरों के बयान लिए? अभी नहीं, भारत के सवाल पर राघव हड़बड़ाया। मैं बयान लेने जा ही रहा था कि तुम दोनों आ पहुंचे। ऐसा करो, होटल के मालिक और एक दो वेटरों को यहीं पर बुला लो। साहब, रिसेप्शन हॉल में काफी गहमा गहमी थी। वेटर लोग भाग भाग कर डिश सर्व कर रहे थे। तब भी मैडम फ्रेश के चेहरे पर भय के कुछ बाकी कीड़े अभी भी मंडरा रहे थे तथा स्वर में कंपन शेष था। करीब 12 बजे इस कमरे से भयानक चीख गूंजी तो मेरे सभी कस्टमर बौखला कर रफू चक्कर हो गए।
हम बड़ी मुश्किल से इस कमरे में भीतर घुस पाया। लहू से सनी लाश को देखकर हाथ पांव फूल गए। हम नीचे को भागा और पुलिस को फोन किया। साहब, क्या तुम हत्यारे का नाम और पता जानती हो? भारत की आंखें मैडम फ्रेश के चेहरे पर कहीं गड़ी हुई थी। पता नहीं मालूम साहब, हाँ इसके नाम और काम को खूब जानता है। क्या? फजलू, इसका नाम फजलू होता साहब। ये गुंडा टाइप का मैन था, अक्खा सारी स्ट्रीट का दादा। सीटर होता साहब, इसका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं था। राजनगर के होटलों में बारी बारी से रहा करता था। हम वेरी ओबेडली अनलकी होता साहब, जो फजलू को किसी ने हमारे होटल में किल किया साहब। तुम में से किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को इस कमरे में आते हुए या जाते हुए देखा था? अंतरिक्ष ने हाथ बांधे खड़े हुए सारे वेटरों से सवाल किया। नहीं साहब, एक वेटर बोला, फजलू इस होटल में कल से रह रहा था। हमने उसके पास न तो किसी को आते हुए और न जाते देखा। यही घंटे दो घंटे को बाहर जाया करता था साहब। मैडम फरेश और वेटरों के चले जाने के बाद भारत ने फजलू की लाश की तलाशी ली। कुर्ते की जेब से एक कागज निकला। तह किए हुए उस कागज को खोला भारत ने। वो चौंका, क्योंकि वो लेटर था। लेटर को किसी ने जल्दी जल्दी और छोटे अक्षरों में लिखा था। उसने लेटर के मैटर को पढ़ा। लिखा था, तुम इंसान नहीं शैतान हो। मैंने तुमको नेक दिल इंसान समझकर प्यार किया था। तुमने कुछ गुंडों से मेरी इज्जत को बचाया था। मैंने समझा था कि मेरा शरीर मेरी इज्जत बचाने वाले का है। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझकर अपना सर्वस्व सौंपे रखा, लेकिन तुम्हारी हकीकत नहीं जानती थी। तुमने बहुत जल्दी ही अपना असली रूप दिखा डाला। तुमने मेरे लिखे लेटरों और फोटोज को ब्लैकमेल का जरिया बना डाला। तुमने हर बार मुझे धमकी दे देकर मुझसे हजारों रुपए मंगाए। जैसा कि मैं पहले भी कई लेटरों में लिख चुकी हूँ कि मुझे ज्यादा तंग ना करो, मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे डैडी सेठ जयवीर काफी सोर्स वाले हैं, लेकिन मुझे उनको तो मजबूरी में ही बताना पड़ेगा। डैडी से पहले तो मैं ही तुमसे निपटूंगी। अपने खास आदमी के हाथों ये लेटर तुम तक पहुंचा रही हूँ। उसको लेटर देना और उसमें लिखना कि तुम मेरे लेटर्स को फोटोज वापस लौटाने की कितनी कीमत लोगे। अब मैं तुमको किस्तों में रुपए नहीं दे सकती। लिखो कि मेरी मजबूरी की क्या कीमत लेना चाहते हो। यदि तुमने मेरे लेटर्स और फोटोज मुझे नहीं लौटाए तो तुम्हें नहीं बख्शूंगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, समझे? रीना गुप्ता। भारत के हाथ से झपट कर अंतरिक्ष ने भी रीना का लिखा हुआ लेटर पढ़ा। जल्दी से जयवीर सेठ के घर चलो अंतरिक्ष, भारत ने कहा। उनकी बेटी रीना ही फजलू की कातिल है। देर हो जाने पर वो हमारे हाथ से निकल सकती है। दोनों कमरे से बाहर को भागे। साहब, आपका टेलीफोन है, एक वेटर ने कमरे में आकर राघव से कहा। राघव नीचे पहुंचा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, इंस्पेक्टर राघव हियर। साहब, मैं पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर रानू बोल रहा हूँ। बोलो रानू, क्या बात है? साहब, संगम होटल में कत्ल हो गया है। व्हाट? चौंका राघव। तब दोपहर का एक बजा था। डाइनिंग हॉल में सेठ जयवीर, उनकी पत्नी और 22 वर्षीय खूबसूरत लड़की मौजूद थी। तीनों लंच कर रहे थे। आइए भारत साहब, जयवीर ने उठकर भारत और अंतरिक्ष से हाथ मिलाया। सुमित्रा और उस लड़की को घूरते देखकर उनसे मुखातिब हुआ। अरे भाई, ये विश्व प्रसिद्ध जासूस भारत और अंतरिक्ष है। इनके बारे में हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। सुमित्रा और उस लड़की दोनों ने हाथ जोड़े। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए थे। आइए बैठिए, जयवीर ने सोफों की तरह इशारा करते हुए कहा। मुझे खुशी हुई कि आप मेरे झोपड़े में आए, भारत ने अलसीन झोपड़ों को निहारते हुए कहा।
हम बैठने को नहीं आए हैं सेठ साहब। ऐसे भी क्या नाराजगी है साहब, बेटी जाकर नाश्ता तैयार करो। ठहरिए, अंतरिक्ष की आवाज पर किचन की तरफ जाती हुई लड़की ठिठकी। वो पलटी, जी कहिए। उसने सौम्यता से मधुर आवाज निकाली, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जी, वो सक पकाई, मैं कुछ समझी नहीं। जयबीर और सुमित्रा के चेहरे फक्का पड़ गए, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जासूस उनकी बेटी को पुलिस स्टेशन जाने के लिए क्यों कह रहे थे। आप तो ऐसे आश्चर्य प्रकट कर रही हैं, अंतरिक्ष के स्वर में व्यंग था, मानो आप कुछ जानते ही नहीं। अंतरिक्ष साहब, जयबीर का स्वर कपकपा रहा था, आप बात को स्पष्ट तरीके से कहिए, मैं कुछ भी समझा नहीं। आप मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन क्यों ले जाना चाहते हैं, ये सब आप अपनी बेटी से पूछिए। कहते हुए अंतरिक्ष ने आग्नेय दृष्टि से लड़की को घूरा, आखिर किया क्या है मैंने। वो दबे स्वर में चीखी, कत्ल, मर्डर। अंतरिक्ष फुफकारा, नहीं। जयवीर, सुमित्रा और वो लड़की चीख पड़े। 12 बजे होटल डिसूजा के कमरे में फजलू नामक शख्स का कत्ल हुआ है, भारत गंभीरता का आवरण ओढ़े हुए बोला। तलाशी लेने पर उसके पास से आपकी बेटी का लिखा हुआ लेटर मिला है। लेटर के हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि फजलू का कत्ल आपकी बेटी ने किया है या किसी से करवाया है। नहीं नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। लड़की कानों पर हाथ रखकर रोते हुए चीखी, मैं तो फजलू नाम के किसी शख्स को जानती तक नहीं। सुमित्रा भी रो रही थी, आपके झूठ बोलने से हकीकत झूठ में बदल नहीं जाएगी। ये लेटर आपके हाथ का लिखा हुआ है। कहने के साथ ही अंतरिक्ष ने लेटर लड़की को दिया। डैडी, लेटर पढ़ने के बाद लड़की ने वो लेटर जयबीर को पकड़ाया। ओह, एरिना का लेटर है, लेकिन हैंडराइटिंग तो एरिना की प्रतीत नहीं होती, वैसे भी ये रानी नहीं है। रीना, आकाश और अंतरिक्ष चौंके, तो ये कौन है। ये पूनम है, मेरी बड़ी बेटी। रीना मेरी छोटी बेटी है। ओह, लेकिन रीना ने ये लेटर क्यों लिखा। मतलब तो इसमें साफ लिखा है सेठ साहब, मृतक फजलू आपकी बेटी रीना को ब्लैकमेल कर रहा था, उसने स्वयं को मुसीबत से आजाद करने को फजलू का कत्ल कर डाला। नहीं, तीनों की घुटी घुटी सी चीखें निकली। नहीं नहीं, रीना किसी का कत्ल नहीं कर सकती, वो तो काफी भोली भाली है। कानून भावना में नहीं पड़ता पूनम जी, ये लेटर चीख चीख कर आपकी बहन को कातिल घोषित कर रहा है। कहाँ है आपकी बहन, रीना तो सवेरे से ही नहीं है। सुमित्रा सुबकते हुए बोली, वो कभी कभार ही ऐसे ही अपने सहेली के संग। आप लोग रीना को छिपाइएगा नहीं, भारत ने सुमित्रा की बात काट कर कहा, हम इन्वेस्टिगेशन पर हैं। हो सकता है कि रीना ने फजलू का कत्ल न किया हो, किसी दूसरे ने किया हो, लेकिन इस लेटर के बेस पर रीना फंस सकती है। हमारा रीना से मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन रीना यहाँ पर सचमुच नहीं है। आप चाहे तो हमारे घर की तलाशी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, फोन की घंटी ने घनघनाकर जयवीर की बातों को खटाई में डाल दिया। हेलो, यस, सेठ जयवीर स्पीकिंग। उसने फोन का रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से सुनकर भारत से मुखातिब हुआ। आपका फोन है। मेरा फोन, चौंका भारत। उसने जयवीर के हाथों से रिसीवर लिया। किसका फोन था गुरु। राघव का। बुरी खबर है, होटल संगम में किसी का कत्ल हो गया है। किसका, अंतरिक्ष घबराया, उसके जहन में रीना का नाम गूंज रहा था। ये तो राघव ने बताया नहीं, वहीं चलने पर मालूम होगा। जयबीर, सुमित्रा और पूनम के दिल अनजानी आशंका के वशीभूत घबरा रहे थे। देखिए, भारत मुड़ा, फिलहाल तो हम चलते हैं, जब भी रीना लौटे हमें सूचित कर दीजिएगा, हमारे ऑफिस का फोन नंबर ये है। उसने अपना विजिटिंग कार्ड जयबीर को दिया और बाहर को झपटा। मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करके
भारत और अंतरिक्ष मेन गेट की तरफ बढ़े। मेन गेट के बाहर काफी लोग जमा थे। सबके चेहरे पर दहशत विराजमान थी। दोनों भीड़ चीरकर भीतर घुसे। कत्ले कहाँ हुआ है, भारत ने रिसेप्शन मैन से पूछा। थर्ड फ्लोर पर साहब, रूम नंबर 5 में है। वो सामने लिफ्ट है। दोनों लिफ्ट की मदद से अवांछित कमरे तक पहुंचे। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, इंस्पेक्टर राघव उन्हें देखकर बोला। 1 घंटे बाद ही दूसरा कत्ल हो गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही इस कत्ल की खबर लगी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉक्टर को फजलू की लाश के पास छोड़कर यहाँ चला आया। वे लोग यहाँ भी आते ही होंगे। भारत और अंतरिक्ष ने राघव को कोई जवाब दिए बगैर कमरे में प्रवेश किया। बेड पर 30 वर्षीय शख्स की लाश पड़ी थी। उसका काला चेहरा चेचक के असंख्य दागों से छिदा हुआ था। उसके जिस्म पर सफेद शर्ट और पैंट थी तथा पैरों पर क्रेपसोल के जूते थे। उसका ऊपरी भाग बेड पर था तथा टांगे नीचे लटकी हुई थी। आधी खुली हुई आंखों में दर्द था। अंतरिक्ष कमरे की सिचुएशन देख रहा था। कमरे की सभी खिड़की बंद थी। बेड के पास ही एक स्टूल फर्श पर लुटका हुआ था तथा कॉफी का प्याला भी लुटका पड़ा था। थोड़ी सी कॉफी फाइल पर बिखरी पड़ी थी। बेड सीट में काफी सलवटें थी। लाश के सीने में ठीक दिल वाले स्थान पर सुनहरी मूठ का चाकू गड़ा हुआ था। लहू ने छाती के अलावा बेड सीट को भी सान दिया था। भारत बड़ी गौर से लाश में गड़े चाकू को देख रहा था। फजलू की लाश में गड़े चाकू जैसा ही वो चाकू था। दोनों में लेस मात्र का भी फर्क नहीं था। यानी कि फजलू के कातिलों ने ही इसे भी मारा है, भारत धीमे से बुदबुदाया। गुरु, अंतरिक्ष भारत के पास आकर बोला। कातिल दरवाजे से ही आए थे, तब ये मृतक शख्स कॉफी पी रहा था। कातिलों ने दरवाजा खटखटाया। इसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उन्होंने इस पर अप्रत्याशित हमला किया। इसके बाएं गाल पर नीला निशान। कातिल ने घूसे या फिर किसी अन्य वस्तु से इसके गाल पर प्रहार किया। ये लटखड़ाकर स्टूल पर गिरा। स्टूल और कॉफी का प्याला फर्श पर गिरे। इसके बाद कातिलों ने उसे बेड पर गिराया और चाकू मारकर चले गए। मैं तुम्हारी थ्योरी को मानता हूं, अंतरिक्ष बेटे, भारत ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुमने कहा कि कातिलों ने दरवाजा खटखटाया और मृतक ने दरवाजा खोला। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि दरवाजा खुला हो या सिर्फ वैसे ही भीड़ा हुआ हो। मैं अभी सबूत देता हूं, कहने के साथ अंतरिक्ष ने भारत का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर ले गया। राघव कुछ न समझ पाने वाले अंदाज में दोनों के क्रियाकलाप देख रहा था। अंतरिक्ष ने दरवाजे के ऊपर लगी नोटिस प्लेट दिखाते हुए भारत से कहा। प्लेट पर लिखा है, डोंट डिस्टर्ब मी, यानी कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, और ऐसी प्लेट लगाकर कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकता। ओह, मैंने तो इस प्लेट पर गौर भी नहीं किया था, अंतरिक्ष को प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हुए भारत ने कहा। राघव मामा जी, कहो अंतरिक्ष बेटे, आपने ओवेट्रे और वेलमैन वगैरह के बयान लिए? हाँ लिए बेटे, राघव बाहर आकर बोला। उनका कहना है कि इस होटल में काफ़ी भीड़ रहती है। किसी ने भी लिफ्ट से आने जाने वालों पर गौर नहीं किया, नहीं किसी ने मृतक की चीख ही सुनी। फिर कत्ल के बारे में कैसे पता चला? 1 बजे से कुछ पहले ही वेटर कॉफ़ी का प्याला उठाने के लिए इस कमरे में आया, तब उसने देखा कि कल्लू के सीने में चाकू धंसा हुआ था। कल्लू ने वेटर की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। मृता का नाम है कल्लू, अंतरिक्ष बड़बड़ाया। हाँ बेटे, राघव बोला। कल्लू के बारे में कुछ पता लगा, भारत ने पूछा। तुमने कल्लू की या कमरे की तलाशी ली? इतना समय ही कहाँ मिला है, राघव झल्लाया। गुरु, आप लाश की तलाशी लीजिए, मैं कमरे की तलाशी लेता हूँ, भारत ने कल्लू की लाश की तलाशी ली। उसकी पैंट की जेब से 12 इंची चाकू और
कैवेंडर सिगरेट के पैकेट के अलावा चाबी की माचिस निकली। शर्ट की जेब में लेदर का पर्स था जिसमें 810 रुपए थे। उधर अंतरिक्ष ने अलमारी को चेक किया, एक कोने में एक पोर्न बुक रखी थी। उत्सुकतावश उसने बुक को खोला, एक तह किया हुआ पर्चा फर्श पर गिरा। उसने उत्सुकतावश झुककर वो पर्चा उठाया और उसकी तह खोली। वो पर्चे की इबारत को पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। गुरु, अंतरिक्ष की आवाज पर भारत चौंका। क्या बात है अंतरिक्ष, भारत ने पूछा। ये लेटर मिला है, काफी इंटरेस्टिंग है, देखो तो। भारत ने अंतरिक्ष लेटर लिया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, कल्लू और शिवा, तुम दोनों ही कुत्ते हो। मुझे अब भी तुम्हारी वो काली करतूत याद है जब तुम दोनों ने मुझे मेरे मंगू भैया की बीमारी की खबर देकर होटल डिलाइट के रूम में बुलाया था। तुम दोनों मेरे मंगू भैया के दोस्त थे, मैं तुम्हें भी अपना भाई ही मानती थी, इसलिए विश्वास करके होटल पहुंची। लेकिन मेरे मंगू भैया वहां नहीं थे, वो तो अपने पोल्ट्री फार्म पर थे। लेकिन मैं धोखा खा चुकी थी, तुम कुत्तों ने अपने दोस्त से विश्वासघात किया, होटल के बंद कमरे में दोस्त की बहन को लूट लिया, उसकी इज्जत को दागदार कर दिया। मैं कितनी रोई गिड़गिड़ाई थी तुम दोनों के आगे। मैंने तुम दोनों से अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, तुमने मुझे बर्बाद करके ही दम लिया। इस पर भी तुम लोगों ने बस नहीं किया, मूवी कैमरे से मेरे आपत्तिजनक फोटो लिए और मुझे ब्लैकमेल करने लगे, कभी रुपए पैसे से तो और कभी मेरे जिस्म से। मेरा बड़ा भाई जालिम है, वो हकीकत जानकर तुम दोनों को जान से मार डालेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। ये लेटर तुम्हारे कमरे की अलमारी में एक किताब के अंदर रखे जा रही हूँ, क्योंकि मंगू भैया तुमसे मिलने आते हैं। लेटर इधर उधर रखने पर उनके हाथों में भी पड़ सकता है। तुम दोनों में से किसी को भी ये लेटर मिले, वहीं मेरे फोटो लौटा दे, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तुम्हारी दुश्मन सबिता। लेटर की हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी तथा काफी जल्दी में लिखा प्रतीत हो रहा था। कमाल है, भारत लेटर पढ़ने पर बोला। एक घंटे पहले पतलू का कत्ल हुआ और उसके पास सेठ जयवीर की छोटी बेटी रीना का धमकी भरा लेटर मिला, और कल्लू की लाश के पास भी इस वक्त किसी सबिता नाम की लड़की का लेटर मिला है। दोनों ही लेटरों में जान से मारने की धमकी दी है। यदि कल्लू का कत्ल सबिता ने किया है तो शिवा का कत्ल भी अवश्य करेगी, हमें शिवा को बचाना होगा। लेकिन गुरु, अंतरिक्ष बोला, हमें शिवा का पता मालूम नहीं है। लेटर के अनुसार कल्लू और शिवा सबिता के भाई मंगू के दोस्त है, हमें मंगू के पोल्ट्री फार्म पर चलना चाहिए, वहां हम सबिता को भी पकड़ लेंगे और मंगू से शिवा का पता भी मालूम कर लेंगे। इस लेटर को साथ लिए चलते हैं। तभी फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट और पुलिस डॉक्टर भी वहां आ पहुंचे। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने भारत की बात का समर्थन करते हुए बताया कि फजलू को दो कातिलों ने मारा था। उसने आते ही शीशे के कमरे को चेक करके बतलाया कि कल्लू को भी दो शख्सों ने ही मारा है और दोनों के जूतों के निशान फजलू के कातिलों के जूतों से मेल खाते हैं, यानी कि फजलू और कल्लू के कातिल एक ही है। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। ओ क्या बेटे, गुड। जयवीर की बेटी को फजलू ने सताया था और कल्लू और शिवा ने अपने दोस्त की बहन सबिता को। मेरे ख्याल से तो रीना और सबिता मिलजुल कर खत्म कर रही है। अभी तो हम अंधेरे में ही है, फिलहाल कुछ भी सोचना गलत होगा। हमें जल्द से जल्द मंगू के पास जाना है। राघव सुनो, कहो भारत, तुम कुछ कांस्टेबल सेठ जयवीर के बंगले पर नियुक्त कर दो। वे रीना पर गौर रखे, जैसे ही रीना बंगले पर आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। राजनगर में इन्हें गिने चुने ही पोल्ट्री फार्म थे, इसलिए भारत और अंतरिक्ष को मंगू का पोल्ट्री फार्म खोजने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई और ना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। टीन शेड के नीचे
मेज से पर एक कुर्सी पर एक लंबा चौड़ा शख्स बैठा था। उसके होठों के बीच बीड़ी दबी हुई थी। उस शक्लो सूरत से ही गुंडा नजर आ रहा था। तुम ही मंगू हो? अंतरिक्ष ने अपनी लंबी टांग मेज पर रखते हुए पूछा। हाँ, मंगू ने संक्षिप्त सा जवाब सवाल का उत्तर दिया। वो दोनों आंखें फाड़े लड़के को घूर रहा था। वो लड़के की धृष्टता पर हाथ फरोख था। सविता कहाँ है? चुपचाप खड़े भारत ने जवाब मांगा। मेरी बहन को पूछने वाले तुम होते कौन हो? मंगू ताव खाकर खड़ा हो गया। मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले अपने हस्त के बारे में सोच तो लिया होता। सुन वे ओ गोभी के पत्ते, लड़का गुर्राया। अदब के साथ बात कर, वरना हाथ पर तोड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। मंगू के कुछ कहने से पहले ही भारत बोला, धीरे से काम लो अंतरिक्ष, हमारे पास समय बहुत कम है। अंतरिक्ष? मंगू की हवा गोल हो गई। थूक सटकने पर घिघियाते हुए बोला, मैंने पहचाना नहीं था आपको। अपनी बहन का नाम आपके मुंह से सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई थी। मेरी बहन बहुत ही सीधी और नेक है। सीधी और नेक नहीं बल्कि कातिल कहो। क्या कह रहे हैं आप? मंगू के ऊपर जैसे बिजली गिरी। उसके चेहरे का रंग फक्का पड़ चुका था। लो ये लेटर पढ़ो, भारत ने मंगू को पैंट की जेब से लेटर निकाल कर दिया और मंगू पर हो रही प्रतिक्रियाओं की एनालिसिस विश्लेषण करने लगा। नहीं, मंगू की चीख के साथ ही लेटर हाथों से छूटकर मेज पर गिरा। वो बड़बड़ाया, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? अंतरिक्ष ने मंगू को घूरा। कुछ भी तो नहीं हो सकता। मंगू का चेहरा पसीने से लिप्त था। कल्लू और शिवा मेरे बचपन के दोस्त हैं। वे हर साल सविता से राखी बंधवाते हैं। वे सविता को मुझसे भी ज्यादा बहन की तरह प्यार करते हैं। वे कल्पना में भी सविता को गंदी नजरों से नहीं देख सकते, ना ही सविता उनको ऐसा लेटर लिखकर जान से मारने की धमकी दे सकती है। ये लिखावट सविता की नहीं है। मंगू, हमें सविता से जरूर मिलना है, भारत ने पासा फेंका। कल्लू का कत्ल हो चुका है और शिवा की जान को भी खतरा है। नहीं, चीखा मंगू, मेरे दोस्त का कत्ल। जल्दी करो मंगू, भारत चीखा, हमें सविता से मिलवा दो और शिवा का पता भी बताओ। शिवा होटल में नहीं था? नहीं, वो होटल डिसूजा में फजलू के पास होगा। फजलू भी हमारा दोस्त है। लेकिन 12 बजे फजलू का भी कत्ल हो चुका है। नहीं नहीं, मंगू चीखा और रो पड़ा। जल्दी करो मंगू, मेरे घर चले साहब, टैक्सी से चलते हैं। नहीं, हमारे पास मोटरसाइकिल है, चलो। मोटरसाइकिल पर तीनों सवार थे। बीच में बैठा हुआ मंगू अंतरिक्ष को अपने घर का पता बता रहा था। 5 मिनट में ही मंगू का घर आ गया। घर के मेन गेट पर ताला लटका हुआ था। अरे, सविता इस वक्त घर को ताला लगाकर कहाँ चली गई? मंगू के स्वर में परेशानी की मिलावट थी। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है, बुदबुदाया भारत। रहीम चाचा, रहीम चाचा। मंगू सड़क पार टेलर की दुकान की तरफ दौड़ा। क्या बात है मंगू बेटे? मशीन पर बैठे बूढ़े रहीम चाचा ने घबराते हुए मंगू से कौतूहलपूर्ण स्वर में पूछा। चाचा, चाचा। मंगू पर घबराहट हावी थी। सविता कहाँ गई है? तुमने उसे जाते हुए देखा? सविता तो 2-3 मिनट पहले ही कार में बैठ कर गई है। कार में? चौंका मंगू। किसके साथ? रहीम चाचा ने चश्मा ऊपर करके कहा, ये तो मैंने देखा नहीं। कुछ देर पहले काले रंग की कार तुम्हारे घर के आगे रुकी। कार ने 3-4 हॉर्न दिए तो मेरा ध्यान सिलाई से हटकर उस कार पर गया। खिड़कियों पर पर्दे पड़े होने की वजह से मैं उसमें बैठे हुए को नहीं देख सका। सविता बेटी बाहर आई, न जाने कार वालों ने उसे क्या कहा। सविता तुरंत ही भीतर गई और फिर ताला लगाकर कार में बैठकर चली गई। मैंने समझा कि तुम्हारे दोस्त होंगे, लेकिन बात क्या है, तुम घबराए हुए क्यों हो बेटे? कुछ नहीं रहीम चाचा। दोनों की बातें भारत और अंतरिक्ष ने भी सुनी। साहब, मंगू पलटा, न जाने कौन लोग मेरी बहन को कार में बैठा कर ले गए। मेरी बहन को बचा लो साहब।
रहीम चाचा, अंतरिक्ष बोला, पूछो बेटे, सविता को लेकर कार किधर को गई? इस तरफ। रहीम ने हाथ उठाकर इशारे से उस दिशा की ओर बताया जिस तरफ सविता को लेकर वो गाड़ी गई थी। इधर तो आबादी नहीं भारत चौका, इधर तो सालिवान वन तक जाने का कच्चा रास्ता है। गुरुजी, अंतरिक्ष कहीं से जल्दी फोन करके राघव को बुलाओ। पास की रेडियो एजेंसी की दुकान से अंतरिक्ष ने संगम होटल का नंबर रिंग करके राघव को फोन किया। तुरंत ही कुछ कांस्टेबलों के साथ राघव भी वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? ओ भारत ओ अंतरिक्ष की तरह बढ़ा। मंगू की बहन का किसी कार वाले ने किडनैप कर लिया है। राघव ने भारत को घूरा। मंगू की बहन सविता, जिसने मृतक कल्लू को लेटर लिखा है? ओह, समझा। कार सालिवान वन की तरफ गई है, तो मंगू को साथ लो और सविता की तलाश करो। तुम दोनों हमारे साथ नहीं चलोगे? नहीं, हम सेठ जयवीर के बंगले पर जा रहे हैं। रीना को पकड़ना भी बेहद जरूरी है। दोनों को देखकर सुमित्रा और पूनम चौंकी, क्योंकि कुछ देर पहले ही वे दोनों यहां से गए थे। सेठ जयवीर वहां नहीं थे, वे ऑफिस चले गए थे। आइए, पूनम सोफे से उठ खड़ी हुई, बैठिए। नो थैंक्स, हम रीना से मिलना चाहते हैं। रीना तो अभी नहीं आई। पूनम के स्थान पर उसकी माँ सुमित्रा ने भारत को जवाब दिया। अब तो मुझे रीना को लेकर फिक्र होने लगी है, न जाने वो कहाँ है। आप सच बोल रही है? अंतरिक्ष के स्वर में संशय का पुट था। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं? पूनम धीमे स्वर में चीखी। होगा भी कैसे? अंतरिक्ष निर्विकार भाव से बोला, रीना आपकी बहन है, आप उसे कानून के पंजे से बचाने हैं तो झूठ का भी तो सहारा ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी पूनम जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हमें कोई ऐतराज नहीं, आइए मैं आपके साथ चलती हूँ, कहकर पूनम आगे बढ़ी। भारत और अंतरिक्ष उसके पीछे थे। किसी भी कमरे में रीना तो रीना, उसकी फोटो तक नहीं थी। आखिर कमरा पूनम का ही था। भारत और अंतरिक्ष पर्दे के पीछे तलाशी ले रहे थे, तभी पूनम कोने में मेज की तरफ झपटी। उसने भारत और अंतरिक्ष की निगाहें चुराकर मेज पर रखे बिना फ्रेम के फोटो को उठाया और ब्रा में छिपा लिया। चिर्र, जीप को तगड़े ब्रेक लगे। इंस्पेक्टर राघव के आदेश पर ड्राइवर ने ब्रेक मारा था। जीप फास्ट स्पीड से दौड़ी चली जा रही थी। कच्चे मार्ग पर कार के टायरों के निशान अस्पष्ट थे। पुलिस जीप उन टायरों के निशान के मार्गदर्शन पर ही आगे बढ़ रही थी। एक स्थान पर टायरों के निशान रुके और ढलान से उतरकर मैदान में चले गए। राघव ने तुरंत ही ड्राइवर को जीप रोकने का आदेश दिया और जीप रुक गई। राघव नीचे उतरा, उसने टायरों के निशान को चेक किया। ढलान से उतरने से पहले निशान गहरे थे, यानी कि कार इस स्थान पर काफी देर तक खड़ी रही है। वो टायरों के निशानों के पास झुका हुआ सोच रहा था, तभी तो यहाँ पर निशान ज्यादा गहरे हैं। यहाँ पर कुछ देर तक खड़ी रहने के बाद वो रास्ता छोड़कर ढलान से नीचे उतरी और मैदान से होती हुई कहीं चली गई। लेकिन कार वालों को मैदान से होकर भागना ही था, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ देर के लिए कार को क्यों रोका? वो चौंका, कहीं कार वालों ने सविता को? साहब, जीप से उतरकर मंगू राघव के पास जाकर बड़ी परेशानी के साथ बोला, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वे गुंडों लोग मेरी बहन को लेकर काफी दूर निकल चुके होंगे, कहीं वे मेरी बहन को मार न डाले। जल्दी चलिए साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। मंगू, राघव सीधा हुआ, यहाँ पर कार काफी देर तक रुकी हुई थी। मैं नहीं समझता कि वे लोग तुम्हारी बहन को यहाँ से आगे ले गए होंगे। यहाँ पर कार रोकने का मतलब है कि उन्होंने तुम्हारी बहन को? नहीं साहब, नहीं। मंगू के घूटे गले से आवाज निकली। ऐ, राघव ने जीप में बैठे कांस्टेबलों को पुकारा, सब इधर उधर जाकर खोजबीन करो। आओ मंगू,
मेरे साथ चलो, हमें सप्ता को खोजने में देर नहीं करनी चाहिए। काकर, राघव सड़क के नीचे उतरा। मंगू भी उसके पीछे था। वे ढलान से उतरे। सामने झाड़ियों के पीछे छोटा सा जोहर था। मंगू झाड़ी पर झपटा। झाड़ी में नीले रंग का दुपट्टा फंसा हुआ था। झटके से खींचने की वजह से दुपट्टा फट गया। वो आंखें फाड़े दुपट्टे को देख रहा था। ये सविता का दुपट्टा है साहब, वो दुपट्टे को दिखाते हुए विक्षिप्त सा चीखा। सविता का? चौंका राघव। वो कांटों की परवाह ना करते हुए झाड़ियों के बीच में कूदा। पागलों के समान मंगू भी झाड़ियों में घुसा, जिसमें कांटे धंसने की वजह से लहू की लकीरें खींच गई थी। नहीं नहीं, मंगू और राघव के मुंह से एक साथ चीख निकली। वे दोनों फटी फटी निगाहों से 20-21 वर्षीय खूबसूरत लड़की की जन्मजात नंगी लाश को देख रहे थे। सविता, मंगू चीख मारता हुआ लड़की की लाश पर झपटा। नहीं मंगू, राघव ने मंगू का कलर पकड़कर खींचा। तुम लाश को नहीं छू सकते। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, रोते हुए वो तड़फड़ाया। देखिए ना, मेरी बहन की लाश पड़ी है, मेरी इकलौती बहन की लाश। यही तो थी जो मेरी कलाई पर राखी बांधा करती थी। देखिए, मेरी प्यारी बहन के सीने में चाकू गड़ा है, मेरी बहन के जिस्म से कितना लहू बह रहा है। मुझे मेरी बहन को देखने दो, मैं लाश से लिपट कर रो तो लूं। पागल मत बनो मंगू, सविता की लाश पर झपटते हुए मंगू को पकड़ते हुए राघव चीखा। ये कानून का मामला है, पहले फोटो होंगे, फिंगरप्रिंट्स सेक्शन की कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम के बाद ही। तो ऐसा जुल्म मत कीजिए, राघव की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए रोते हुए मंगू चीखा। सविता का कोई नहीं दुनिया में, मेरे सिवाय कोई नहीं। देखिए, मेरी बहन मुझे बुला रही है, अपने भाई को पुकार रही है, मुझे एक बार सविता को नज़दीक से देखने तो दीजिए। राघव को मंगू की हालत पर तरस आ रहा था। ठीक है, उसने मंगू को छोड़ा, लेकिन तुम लाश को टच करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है साहब। मंगू सविता की लाश के पास जा बैठा। उसकी आंखों में अश्रु धारा थी। उसका कपकपाता हुआ हाथ सविता के चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया, क्योंकि राघव का पंजा उसकी कलाई पर कस चुका था। दोनों की निगाहें सविता के चेहरे से नीचे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो पूर्णतया नग्न थी। उसकी छाती में काफी गहराई तक चाकू धंसा हुआ था, लेकिन चाकू की मूठ सुनहरी नहीं थी। लहू सूख कर धक्कों में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन घास पर लहू की एक भी बूंद नहीं थी। दोनों जांघे लहू से लिप्त थी। कातिल ने कत्ल के अलावा बलात्कार भी किया था। इंस्पेक्टर साहब, मंगू की पुकार पर राघव ने उसे देखा। मंगू की आंखें सविता के दाएं हाथ की अधखुली मुट्ठी पर टिकी थी। बोला, सविता के हाथ में ये क्या है? राघव ने देखा, अधखुली मुट्ठी से पत्थर की आंख का कोना झांक रहा था। पत्थर की आंख? उछल पड़ा मंगू। मैं जानता हूं, ये आंख शिवा की है। शिवा की आंख? हाँ इंस्पेक्टर साहब, शिवा मेरा दोस्त है, उसकी एक आंख फूटी हुई है, वो पत्थर की आंख का इस्तेमाल करता है। यानी कि कल्लू की लाश वाले कमरे में मिला लेटर तुम्हारी बहन का लिखा हुआ ही था, और कार वाला शिवा ही है, उसने तुम्हारी बहन की इज्जत भी लूटी। शिवा? मंगू पागलों की तरह चिल्लाया, तुमने मेरी बहन को बर्बाद किया, अपने दोस्त की बहन की इज्जत लूटी और उसका कत्ल कर दिया। तू कानून से बच सकता है, लेकिन मंगू के हाथों से नहीं। मैं तेरे सारे ठिकाने जानता हूं कुत्ते की बीच, मैं तुझे पताल से भी खोज निकालूंगा। मैं आ रहा हूं, तेरे से अपनी बहन का बदला लूंगा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं आ रहा हूं शिवा। रुक जाओ मंगू, मैं कहता हूं रुक जाओ। राघव मंगू के पीछे भागा। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, पुलिस शिवा को बहुत जल्दी पकड़ेगी और सजा देगी, लेकिन तुम उसे नहीं मार सकते हो। रुको मंगू, हमें शिवा का पता बताओ।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, मंगू पूरी जी जान से झाड़ियों को फांता हुआ दौड़ रहा था। मैं शिवा को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे हाथों से ही मारेगा, उसे आप तो क्या कोई भी नहीं बचा सकेगा। राघव उसके पीछे भाग रहा था, झाड़ियों की वजह से उसे परेशानी हो रही थी, ऐसे में वो रिवॉल्वर भी नहीं प्रयोग कर सकता था। सीधे रास्ते पर तो मंगू की टांग से गोली मारकर उसे रोक सकता था। तभी दो तीन कांस्टेबल दिखाई दिए। ऐ इसका पीछा करो, वो चीखा। इस शिवा का कत्ल करने जा रहा है, इसे पकड़ो फौरन, रोको इसे। कांस्टेबल मंगू पर झपटे। राघव सविता की लाश की तरफ लौट पड़ा। सेठ जयवीर के घर से भारत और अंतरिक्ष अपने ऑफिस पहुंचे। वहां पर मीनाक्षी नहीं थी, नहीं मेज पर किसी तरह का नोटिस छोड़ा गया था। सोनू, भारत ने आवाज लगाई। यस सर, नौकर भीतर से आते हुए बोला। मीनाक्षी कब से आ नहीं है? वो तो साहब आपके चले जाने के फौरन बाद ही चली गई थी, यहीं कोई 12:15 बजे। कुछ मैसेज दे गई थी, यहीं कह गई थी कि मैं सरदार बंता सिंह के घर जा रही हूँ। सरदार बंता सिंह भी भारत, आकाश और मीनाक्षी की तरह प्राइवेट डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन CDO का जासूस था और सबकी तरह प्राइवेट जासूस की हैसियत से रहता था। किसी का फोन आया था? नहीं साहब। इंस्पेक्टर राघव का भी नहीं? नहीं साहब। ओके, यू कैन गो। जाता हूँ साहब। ट्रिन ट्रिन ट्रिन, भारत ने घंटी बजते ही फोन का रिसीवर उठाया। हेलो, भारत स्पीकिंग, मैं रिवोली पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर माथुर बोल रहा हूँ सर। ओह माथुर, कहो क्या बात है? सर, इंस्पेक्टर साहब ने वायरलेस से हमें खबर दी है। वे शालीनतावश, वो शालीवान वन से इधर ही है, उन्होंने आपको वहीं बुलाया है। वहां पर किसी का कत्ल हो गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम पहुंच जाएंगे, रिसीवर रखने पर भारत ने अंतरिक्ष से कहा। लो बेटे, एक कत्ल और हो गया, मेरे ख्याल से शायद सविता का। क्या? उछल पड़ा अंतरिक्ष। तीसरा कत्ल? अभी तो 2:15 बजे हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। गुरुजी, पहला कत्ल 12 बजे के आसपास हुआ था और 2 बजते-बजते तीसरा कत्ल भी हो गया और अभी तक हमारे हाथ में कातिल की मूछ भी नहीं आई है। कमाल की बात है बेटे, यदि सविता का ही कत्ल हुआ होगा तो ये मुश्किल हो जाएगी कि उसे किसने मारा। हमारे विचारों से तो कल्लू को सविता ने ही मारा है। इधर सेठ जयवीर की छोटी बेटी रीना का कोई पता नहीं मिल रहा है। चलने से पहले फिंगरप्रिंट्स सेक्शन के ऑफिस से चाकू की रिपोर्ट मालूम करता हूँ। भारत ने फोन किया। फोन पर बात करने के बाद वो अंतरिक्ष से बोला, कातिल काफ़ी चालाक है। फिंगरप्रिंट्स सेक्शन के एक्सपर्ट ने बताया है कि फजलू ओ कल्लू का कातिल एक ही है। उसने सफ़ेद रंग के ग्लव्स पहनकर कत्ल किया है। चाकुओं पर हल्का सफ़ेद रंग पाया गया है। ग्लव्स की वजह से उसकी उंगली के निशान मिलने का कोई औचित्य ही नहीं है। उफ, भारत और अंतरिक्ष के मुंह से कराह से निकली। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। दोनों के सामने मासूम सविता की लाश पड़ी थी, एक ऐसी लाश जिसके कत्ल से पहले कातिल ने उसकी इज्जत का भी कत्ल किया था। उसके दोनों जांघों के बीच से रक्त स्राव हुआ था। वो पूर्णतया नंगी लाश थी, जन्मजात नंगी लाश। मंगू का कहना है कि लाश के हाथ में उसकी दोस्त शिवा की पत्थर की बनी आंख है। राघव कह रहा था वो अपनी बहन की लाश देखकर पागल हो उठा है। वो जरूर ही शिवा की तलाश करके उसका कत्ल करने की कोशिश करेगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? भारत के स्वर में रोष था। मैं उसके पीछे भागा था लेकिन वो अंधे हाथी समान दौड़ा चला जा रहा था। तभी उसके नजदीक ही मुझे कांस्टेबल दिखे। मैंने उन्हें मंगू को पकड़ने का हुक्म दिया।
लेकिन मंगू उनके भी हाथ नहीं आ सका। ओह राघव अंकल, मंगू शिवा को मार डालेगा, हमारे पास तो कोई पता भी नहीं है। मंगू शिवा तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि कत्ल करने के बाद शिवा कानून से बचने के लिए अपने किसी भी ठिकाने पर नहीं जाएगा, वो किसी गुप्त स्थान पर ही छिपेगा। लेकिन वो कार के टायरों के निशान का पीछा करते हुए शिवा तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अंतरिक्ष बेटे, मैदान पार करने के बाद पक्की रोड आ जाती है, और पक्की रोड पर टायरों के निशान देख पाना मंगू जैसे साधारण इंसान का काम नहीं है। अंतरिक्ष, पहले जरा लाश और बाकी सिचुएशन पर भी नजर डाल ले। ओके गुरु। भारत जमीन पर बैठा, उसने सविता के वक्ष के मध्य में गड़े चाकू को बड़े ही ध्यान से देखा। गुरु, ये चाकू तो फजलू और कल्लू के कत्ल में इस्तेमाल हुए चाकू से भिन्न है। उन दोनों को तो सुनहरी मूठ वाले चाकू से कत्ल किया गया है, और सविता को काली मूठ वाले चाकू से कत्ल किया गया है। यानी कि सविता का कत्ल किसी दूसरे कातिल ने किया है। बेटे, सविता का कत्ल यहाँ नहीं हुआ है। ओ कैसे गुरु, इसकी कई वजह है, भारत बोला। जैसे कि वक्ष के मर्म स्थल पर काफी गहराई तक चाकू धंसा हुआ है, जबकि लहू सिर्फ वक्ष और पेट तक ही फैला हुआ है। जमीन पर लहू की एक भी बूंद नहीं है। क्या लहू को जमीन से एलर्जी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो यह है कि कत्ल किसी दूसरे स्थल पर किया गया है। जहां पर कत्ल हुआ है वहीं पर ज्यादा लहू गिरा होगा, यानी कि कातिल ने अन्य स्थान पर पहले सविता के साथ रेप किया, फिर सविता को कत्ल करके यहां पर लाश डाल गया। करेक्ट बेटे। राघव कहो भारत, जरा कांस्टेबलों को कहो कि वे लहू को खोजे। तुम्हारे कहे अनुसार झाड़ियों पर सविता का दुपट्टा फंसा हुआ था, फिर बाकी के सारे कपड़े कहाँ गए? साफ जाहिर है कि सविता को किसी दूसरे स्थान पर रेप करके मारा गया। जहाँ पर लहू पड़ा हुआ मिलेगा उसी के आसपास सविता के सारे कपड़े भी होंगे। राघव ने तुरंत ही कांस्टेबलों को लहू का निशान तथा सविता के वस्त्र खोजने का आदेश दे डाला। कांस्टेबल इधर उधर को दौड़े। दूसरी बात ये कि भारत आगे बोला, लाश के आसपास कटीली झाड़ियां है, यहां पर रेप करना भी मुश्किल है। दूसरी झाड़ियों पर किसी अन्य वस्त्र का टुकड़ा या रेशा भी नजर नहीं आ रहा है। तो फिर कातिल लाश को यहां झाड़ियों के बीच में कैसे डाल गया? पूछा अंतरिक्ष ने। कातिल ने चमड़े की कॉस्ट्यूम पहनी होगी, वरना उसकी शर्ट या पैंट का छोटा मोटा हिस्सा कांटों में उलझा हुआ जरूर होता। एक बात और बताइए गुरु, ये माना कि शिवा ने सविता को रेप किया, उसकी एक आंख पत्थर की थी। सविता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ पैर फेंके और उसका हाथ शिवा की पत्थर वाली आंख से टकराता है, तो क्या पत्थर की वो आंख सविता के हाथ में आ जाएगी? लगता तो मुश्किल ही है, लेकिन हो सकता है कि छीना झपटी में शिवा की नकली आंख गिर पड़ी हो और सविता ने उसे उठा लिया हो। गुरु, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रेप और कत्ल शिवा की बजाय किसी और ने किया हो? ऐसा हो सकता है। काफी देर से चुप खड़ा राघव झट से बोल पड़ा, किसी ने सविता को किडनैप किया, रेप करके कत्ल कर डाला, और फिर सविता की लाश के हाथ में पत्थर की आंख रखकर मुट्ठी बंद कर दी हो। लाश की मुट्ठी बंद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तभी तो लाश की मुट्ठी आधी खुली हुई है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? भारत ने पूछा। ताकि गुरु और शिवा को फंसवा सके। कत्ल उसने किया और कातिल कहलाएगा शिवा। कातिल ने
एक तीर से दो निशाने लगाए। उसने सविता को मार डाला और कानून शिवा को सजा दे डालेगा, या फिर कातिल का मकसद सिर्फ शिवा को मारने का ही हो। उसने बेचारी सविता को बलि का बकरा बनाया। वो जानता होगा कि मंगू खूंखार प्रवृत्ति का है और अपनी बहन को हद से ज्यादा प्यार करता है। बस उसने सविता से रेप करके कत्ल कर डाला ताकि अपनी बहन की दुर्गति देखकर मंगू ताव में आकर शिवा को मार दे, और शायद कातिल अपने मकसद में कामयाब भी होगा, मंगू शिवा को मार डालेगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है बेटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरु। मान लो कि हम जासूस और पुलिस तुम्हारी थ्योरी को ही सोचते हैं, यानी कि शिवा कातिल नहीं है बल्कि दूसरा कोई शिवा को फंसा रहा है। इसी में जासूसों और पुलिस की सहानुभूति शिवा के साथ होगी। शिवा की फूटी हुई आंख में पत्थर की आंख भी नहीं है। वो कहता है कि कोई रात को मेरी आंख चुरा कर ले गया था और उसने सविता को मारकर मुझे फंसाने के लिए मेरी पत्थर की आंख सविता की मुट्ठी में रख दी, जबकि हकीकत में शिवा ने ही ये सब करके जासूसों और पुलिस को उनकी सोची हुई थ्योरी पर चलकर धोखा दिया हो। लेकिन ऐसा करने से पहले वो मंगू के बारे में भी तो सोचेगा। वो ये तो सोचेगा कि जासूस और पुलिस उसके प्लान के धोखे में आ सकते हैं, लेकिन मंगू नहीं। उसे ये भय नहीं होगा कि बहन की लाश को देकर मंगू उसका कत्ल कर सकता है। इसका भी शिवा ने पहले से इंतजाम सोच रखा होगा, यानी कि शिवा मंगू का भी कत्ल कर देता है ये सोचकर कि जासूस और पुलिस उसे कातिल न समझकर कातिल द्वारा फंसाया हुआ समझते हैं। शिवा मंगू का कत्ल कर देगा और ये सोचेगा कि जासूस और पुलिस ये समझेंगे कि शिवा को फंसाने वाले ने ही मंगू को मारा है। और यदि शिवा का ही कत्ल हो जाता है तो ये हो सकता है मंगू का दावा शिवा को मारने का लग सकता है। आपके कहने का मतलब है कि कातिल शिवा है, कोई दूसरा नहीं जो शिवा को फंसाना चाहता है। नहीं, मेरा मतलब ये भी नहीं है अंतरिक्ष। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि तुम ये सोचकर कतई ना चलो कि सविता को किसी दूसरे ने मारा है और वो शिवा को फंसाना चाहता है। हम जासूस है मेरे बेटे, और जासूस को हर तरफ से सोचना चाहिए, हर एंगल से सोचना चाहिए, छोटी बड़ी हर पहलू पर बड़ी ही गौर से विचार करनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि कातिल शिवा हो, और ये भी हो सकता है कि कातिल कोई और हो। हमारे लिए शिवा को पकड़ना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें कुछ पता चल सकेगा। लेकिन शिवा मिलेगा कहाँ, राघव ने उलझन भरे स्वर में कहा। हमें तो उसके असली ठिकाने भी पता नहीं। गुरु, अंतरिक्ष खुशी से उछला। कुछ मिला क्या बेटे, राघव ने पूछा। राघव मामा, आपको पवन पनवाड़ी तो याद है ना। पवन पनवाड़ी, राघव सोचने लगा, फिर याद आने पर बोला, हाँ हाँ याद आया, जब मेरे डुप्लीकेट ने मेरे रूप में जीजाजी यानी ठाकुर बलदेव सिंह को मारा था, यानी कि नकली मौत। तो आकाश को पवन पनवाड़ी ने काफ़ी जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि राघव यानी नकली राघव सामने गली में रहने वाले गुंडों को साथ लेकर गया है। उन गुंडों का नकली राघव को पता भी पवन पनवाड़ी ने ही दिया था। उस पनवाड़ी के बारे में मुझे बाद में बताया गया था। हम उसी पवन पनवाड़ी के पास चलते हैं। वो शहर के हर शरीफ बदमाशों का अता पता जानता है, शायद शिवा का भी पता बता दे। वेरी गुड अंतरिक्ष, वेरी गुड। हम पवन पनवाड़ी के पास ही चलते हैं। राघव, तुम यहीं लाश के पास रहो, हम दोनों मोटरसाइकिल से जाते हैं, भारत ने कहा। अंतरिक्ष ने एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसके पीछे बैठते हुए भारत बोला, ऐसा करते हैं, ढलान से उतरकर कार के टायरों के निशानों के सहारे सड़क से चलते हैं, हो सकता है कि रास्ते में मंगू ही टकरा जाए। शहर में प्रविष्ट होने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता था।
उस नाले के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। अंतरिक्ष को मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी क्योंकि ब्रिज पर बहुत भीड़ लगी थी। लोग झुक कर नाले में झांक रहे थे। गड़बड़ मालूम होती है। अंतरिक्ष मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करते हुए बोला, आइए पैदल ही चलकर माजरा देखते हैं। तभी विपरीत दिशा से पुलिस जीप आकर रुकी। उसमें से एक सब इंस्पेक्टर के साथ 6 कांस्टेबल उतरे। पुलिस को देखकर भीड़ काई समान छट गई। तब तक भारत और अंतरिक्ष ब्रिज पर पहुंच चुके थे। नमस्कार साहब, सब इंस्पेक्टर ने दोनों को पहचान कर सिर नवाकर नमस्कार की। दोनों ने सिर को जुम्बिस देकर उसके नमस्कार का मुख जवाब दिया। क्या बात हुई, अंतरिक्ष ने पूछा। अभी किसी ने फोन पर सूचित किया था कि नाले में किसी की लाश पड़ी है, सब इंस्पेक्टर ने बताया। ओह, दोनों ब्रिज की रेलिंग पर गए। नाले में सचमुच एक लाश पड़ी थी। लाश के दोनों हाथ तथा दोनों पैर गायब थे। उन्होंने दूर से ही वस्त्र देकर मंगू की लाश पहचान ली। मंगू की छाती में चाकू धंसा हुआ था, वहीं सुनहरी मूठ वाला चाकू। सुनो, भारत ने सब इंस्पेक्टर को पुकारा, कांस्टेबल से कहो कि वे लाश बाहर निकाल ले। ऐ सुनो, सब इंस्पेक्टर ने हुक्म का पालन करके अपने मातहतों को लाश निकालने का हुक्म दिया। जल्दी से लाश को बाहर निकालो। 2-3 कांस्टेबल नाले में उतरे। नाले में पानी कम था और कीचड़ ज्यादा। मंगू की लाश कीचड़ में ही धंसी हुई थी। लाश को बाहर निकाला गया और ऊपर सड़क पर डाल दिया गया। दोनों जासूस लाश के पास घुटनों के बल पर बैठे। गुरु, अंतरिक्ष बोला, फजलू और कल्लू की तरह मंगू को भी सुनहरी मूठ वाले चाकू से ही कत्ल किया गया है, जबकि मंगू की बहन सविता को काले दस्ते वाले चाकू से कत्ल किया गया था। इसका मतलब तो यही है कि फजलू, कल्लू और मंगू का कातिल एक ही है और सविता का दूसरा। लेकिन तुम रीना और सविता के लेटरों को क्यों भूल जाते हो? कल्लू के पास सविता का और फजलू के पास रीना का लेटर मिला था। यानी कि आपके अनुसार फजलू को रीना ने मारा है, क्योंकि उसके पास से रीना का धमकी भरा लेटर मिला था और कल्लू को सविता ने मारा था, क्योंकि सविता ने लेटर में लिखा था कि कल्लू और शिवा ने उसकी इज्जत लूटी थी। करेक्ट बेटे, कल्लू को सविता ने ही मारा था और सविता को शिवा ने मारा है। उसे पता चल चुका होगा कि सविता ने कल्लू का कत्ल कर डाला है। उसने अपने बचाव के लिए सविता को मारा। और मंगू को भी शिवा ने मारा है, खुद की जान बचाने को। लेकिन कल्लू, फजलू और मंगू को सुनहरी मूठ वाले चाकू से मारा गया है। तीनों चाकू के दस्तों पर एक सा ही डिजाइन है। इसका मतलब तो यही हुआ कि शिवा ने ही तीनों को मारा है। अगर शिवा ही कातिल है तो उसने सविता को सुनहरी मूठ वाले चाकू से क्यों नहीं कत्ल किया? ओह गुरु, इन कत्लों ने तो परेशान कर डाला, दिमाग का दही बना दिया। दिमाग काम ही नहीं कर पा रहा है। हम निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर कातिल कौन है। संयम से काम लो बेटे। कातिल भले ही कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। अपने हर कत्ल के पीछे वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ ही देता है। यानी कि कातिल की गलती का हमको इंतजार करना होगा? नहीं, बल्कि शिवा को पकड़ने चलते हैं। चलने से पहले एक बात तो बताइए कि मंगू के हाथ और पैर दोनों ही गायब हैं, कातिल ने ऐसा क्यों किया? कातिल ने लाश के हाथ पैर नहीं काटे हैं, बल्कि जिंदा मंगू के हाथ पैर काट कर उसके बाद मंगू को चाकू से खत्म किया है। यानी कि वो मंगू से नफरत करता है, या जब मंगू और कातिल का सामना हुआ तो मंगू की तरफ से कोई ऐसी बात हुई होगी कि क्रोध में पागल होकर
कातिल ने मंगू के हाथ पैर काट डाले। गुरु, कातिल कुल्हाड़ा लिए तो घूम नहीं रहा होगा, यानी कि मंगू ने उसको उसके ठिकाने पर ही पकड़ा होगा। यहाँ पर कोई कुल्हाड़ा इत्यादि होगा नहीं। भारत की निगाहें मंगू के कटे हुए स्थान पर टिकी थी। कटे हुए भाग बिल्कुल सपाट है, कुल्हाड़ा नीचे से चपटा तथा ऊपर से मोटा होता चला गया है। उसे कटा भाग तिरछा सा होकर मंगू के अंग तलवार या लंबे छुरे से काटे गए हैं। एक मिनट, मैं तुम्हें अभी बाकी बात बताता हूँ। अंतरिक्ष ने भारत को पान की ठेली की तरफ जाते देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि भारत वहाँ क्यों जा रहा है। पान वाले से कुछ देर बातें करने के बाद भारत उसके पास आया। अंतरिक्ष, भारत उससे बोला, मंगू को किसी ठिकाने या घर में नहीं मारा गया है। अंतरिक्ष कुछ भी नहीं समझा। वो जान नहीं पा रहा था कि भारत कैसे ये बात कह रहा है। उसे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, ओ कैसे गुरु? मंगू का कत्ल कुछ देर पहले ही हुआ है, यानी कि दिन में। इस ब्रिज के आसपास काफी चहल पहल है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कातिल चोरी से मंगू की लाश को नाले में फेंक गया हो। यही सोचकर मैं पान वाले के पास गया था। पान वाले ने बताया है कि काली कार महाराजपुर की तरफ से आई, वो ब्रिज पर रुकी, नाले में कुछ गिराने के बाद राजनगर की तरफ दौड़ी चली गई। इसका मतलब यही कि सविता का कत्ल करके कातिल राजनगर नहीं गया। वो कार सहित सालिवान वन में ही कहीं छिपा हुआ था, उधर से ही मंगू भागा। रास्ते में ही कातिल ने मंगू का कत्ल कर दिया। इसके बाद कातिल मंगू की लाश को नाले में गिराकर राजनगर की तरफ चला गया। यानी कि कातिल के पास तलवार या छुरा भी था। हो सकता है कि वो सरदार हो, सरदार लोग तलवार रखा करते हैं। गुरु, पहले यानी कल्लू के कत्ल पर आपने कहा था कि दो कातिल हैं। ऐसा भी नहीं कि सिवा ही सारे कत्ल कर रहा हो और उसका कोई साथी सरदार हो। हो तो सकता है, लेकिन हमें रीना और सविता के लेटरों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सेठ जयवीर की छोटी बेटी रीना ने फजलों को धमकी भरा लेटर लिखा, सविता ने कल्लू और शिवा को लेटर लिखा, लेकिन किसी बात पर शिवा ही कत्ल कर रहा हो। यानी कि रीना और सविता को फजलू और कल्लू को मारने का चांस ही ना मिला हो। ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि कातिल दो है, जबकि रीना और सविता अकेली अकेली है। तुम्हारी ये थ्योरी सविता के साथ तो फिट बैठ सकती है, क्योंकि सविता हमारे सामने है, यानी कि उसका कत्ल हो चुका है, लेकिन रीना के साथ नहीं। यदि वो कल्लू की कातिल नहीं है तो उसे छिपने की क्या जरूरत है? तो रीना का दूसरा साथी है, कोई भी हो सकता है। रीना के पास सुनहरी मूठ का चाकू कहां से आया? ये महज इत्तफाक ही होगा कि रीना ने कल्लू और मंगू के कातिल जैसे चाकू से फजलू का कत्ल किया। सारी बातों का पता रीना और शिवा को मिल जाने पर ही होगा, इसलिए अब हमें सबसे पहले इन दोनों या फिर दोनों में से किसी को ढूंढना होगा। इनके मिलने पर ही बहुत सारे राज से पर्दा उठ सकते हैं। तो जल्दी से पवन पनवाड़ी के पास चलते हैं और उसे शिवा का पता पूछकर शिवा को दबोचते हैं। ठीक है, चलो। पवन पनवाड़ी ने उन्हें शिवा का पता बता दिया। उसने शिवा का पता बताने में देर नहीं लगी, क्योंकि पत्थर की आंख वाला शिवा उसकी दुकान पर यदा कदा पान खाने आ जाया करता था। जासूसों की मोटरसाइकिल फास्ट स्पीड में लिंकन रोड से गुजर रही थी। उन्हें साहिब रोड पर स्थित शिवा गैराज तक जाना था
और वहीं शिवा का ठिकाना था। रास्ते में ही उनका ऑफिस पड़ता था। अंतरिक्ष ऑफिस पर रोक कर चलना। क्यों गुरु? अंतरिक्ष की आंखें सड़क पर देख रही थी। आज आकाश आने वाला है शायद। इस जटिल केस में मुझे दूसरे शैतान की याद आ पड़ी। पहला शैतान कौन है गुरु? तुम। प्रत्युत्तर में लड़का हंसा। गुरु, हंसी रोक कर वो बोला, आकाश के बिना तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है। भगवान करे वो हमें ऑफिस में ही मिले। अंतरिक्ष ने मोटरसाइकिल को ऑफिस के बाहर लॉन में खड़ी किया। दोनों ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस खाली पड़ा था। सोनू, भारत ने आवाज लगाई, यस साहब। 21 वर्षीय सोनू भीतर आया। आकाश आया था? नहीं साहब, सरदार वंता सिंह और मीनाक्षी मेम साहब थोड़ी देर पहले आए थे। सोनू का स्वर रहस्यमय था। वे दोनों काली कार से आए थे। दोनों घबराए हुए थे। दोनों ने आते ही मुझे पकड़ लिया, लगे सवाल पर सवाल पूछने। भारत और अंतरिक्ष आए थे कि नहीं? वे कहाँ गए? कब गए? क्यों गए? मैंने उन्हें आपके बारे में बताया, वे रुके नहीं, काली कार में बैठकर चले गए। तुम तो ऐसे बता रहे हो, भारत मुस्कुराते हुए बोला, कि जैसे मीनाक्षी और बंता सिंह कोई अजूबा हो। आज मुझको वे अजूबा ही लग रहे थे साहब, सोनू के स्वर में आश्चर्य सा झलक आ रहा था। सरदार जी और मेम साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के आस्थान पर उदासी तथा परेशानी के स्वभाव थे। उनके मुंह से आधे और घबराहट भरे स्वर निकल रहे थे। गुरु जी, एक बात तो है, अंतरिक्ष सोच में डूबा हुआ बोल रहा था, 12 बजे जब हम फजलू की लाश को देखने डिसूजा होटल जा रहे थे, तो मीनाक्षी आंटी ने घबराए हुए अंदाज में ऑफिस में प्रवेश किया था। उन्होंने दूसरे केस को डील करने को कहकर हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया था। जब आपने उन्हें कत्ल की खबर दी तो बुरी तरह चौंक पड़ी थी। और साहब, सोनू दोनों के नजदीक आते हुए धीमे से बोला, दोनों का हुलिया भी अलग था। सरदार जी ने काले रंग के कपड़े पहने थे तथा सिर पर पगड़ी के बजाय गोल टोप सा रख रखा था। मेम साहब हमेशा साड़ी में रहती, लेकिन उन्होंने आज चुस्त पैंट और कमीज पहनी थी। सिर के बाल भी खुले हुए नहीं थे, बल्कि जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे। तुम तो बेवजह ही परेशान हो रहे हो सुन, भारत ने मुस्कुराते हुए उसे झिटका। अरे साहब, सुनो उछला, एक खास बात तो बताना ही भूल गया मैं। सरदार जी की कमर से एक तलवार भी लटकी हुई थी और साहब, तलवार पर गाढ़ा गाढ़ा लहू भी लगा हुआ था। क्या? अंतरिक्ष, चलते हैं यहाँ से, शिवा को पकड़ना है, वरना ये सोनू का बच्चा हमें परेशान करता रहेगा। शिवा, सोनू के मुंह से निकला। मेरे ख्याल से बात करते हुए मेम साहब और सरदार जी ने किसी शिवा का नाम ही लिया था। बेवकूफ, भारत ने सोनू को घूरते हुए कहा और फिर अंतरिक्ष का हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। मात्र 10 मिनट में ही मोटरसाइकिल ने भारत और अंतरिक्ष को शिवा गैरेज के सामने पहुंचा दिया। गैरेज के बाहर रिपेयरिंग के वास्ते आए 10-12 वाहन खड़े थे। गैराज काफी बड़ा था। वे भीतर पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अंतरिक्ष जैक पर चढ़ी कार की तरफ बढ़ा। कार के बाहर किसी की दो टांगें निकल रही थी। शायद कोई कार के नीचे लेटकर मशीनरी ठीक कर रहा था। ए मिस्टर, अंतरिक्ष ने चुटकी बजाते हुए कहा, जरा बाहर को निकलो और अपनी हंसी चेहरा दिखा। कार के नीचे लेटा शख्स हिला तक भी नहीं। सुना नहीं तुमने? उसने वाकई नहीं सुना था। अंतरिक्ष ने ताव में आकर बूट का जबरदस्त प्रहार उसकी टांगों पर किया। फटाक! इस बार टांगे थोड़ी कांपी। वो सरक कर बाहर आ रहा था। वो 15-16 वर्ष का लड़का था। उसकी आंखें लाल सिंदूर समान थी।
उसके मुंह से शराब की दुर्गंध का भभूका उठ रहा था। क्या? वो फाट खाने वाले अंदाज में बोलते हुए खड़ा होने की कोशिश करने लगा। तड़ाक तड़ाक, अंतरिक्ष के थप्पड़ इतने जोरदार थे कि वो छितराता हुआ कार के बोनट पर गिरा और पलटते ही नीचे था। नशा सिर पर हाथ पैरा कर भाग चला गया, क्योंकि अंतरिक्ष के जोरदार दो थप्पड़ उस लड़के के गालों पर पड़ी थी। थप्पड़ इतना करारा था कि लड़का तुरंत ही होश में आ गया। गलती हो गई, हिच गई साहब, हिच, आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगी, हिच, वो गिड़गिड़ाया। तेरा उस्ताद सिवा कहाँ है? अंतरिक्ष चिंगाड़ा। उस्ताद? उस्ताद तो भीतर खोली में दारू पी रहे होंगे शायद, साथ में दो और है। वे दो कौन है? भारत उस लड़के पर झपटा। मालूम नहीं है, मैं तो पीकर कार के नीचे लेटा हुआ था। मैंने उन दोनों को पीछे से जाते देखा, उनकी सूरत नहीं देखी साहब। कब गए वे दोनों? वे कैसे दिख रहे थे? थोड़ी देर पहले ही। उनमें से एक काफी तगड़ा और लंबा था, दूसरे छोटे छोटे कद का और मेरे साइज का। दोनों ने काले से कपड़े पहने थे। बता नहीं सकता मेरे साइज वाला कोई मर्द था या कोई औरत। हो सकता है कि उस्ताद ने किसी पोटी को मोज बनाने को बुलाया हो। वे दोनों अभी तक भीतर ही हैं क्या? कह नहीं सकता, मैं नशे में हूं। भारत और अंतरिक्ष भीतर को दौड़े। खोली के टीन वाले किवाड़ बीचे हुए थे। भड़ाक, अंतरिक्ष ने आओ देखे बगैर ही किवाड़ को झटके से खींचा। खोली के भीतर काफी रोशनी थी। सूर्य की किरणें टीन सेट की दरारों को भेद कर कोने कोने में उपस्थित थी और कच्चे फर्श पर पड़ी थी एक लाश, 35 वर्षीय शख्स की लाश। लाश की एक आंख पत्थर की थी। शिवा, भारत के मुंह से निकला, और लाश शिवा की थी। शिवा की छाती में सुनहरी मूठ का चाकू धंसा हुआ था। छाती से चलकर लहू कच्चे फर्श पर टपक रहा था। हम थोड़ा लेट हो गए, भारत चिंतित स्वर में बोल रहा था। कत्ल कुछ ही देर पहले हुआ है, अगर हम ऑफिस में ना जाकर सीधे ही आ जाते तो कातिल हमारी पकड़ में ही होता। गुरु, अंतरिक्ष बोला, आपका विचार गलत ही था कि कातिल शिवा है, क्योंकि मंगू का भी कत्ल हो चुका है, फिर शिवा को किसने मारा? समझ में नहीं आ रहा है बेटे। शिवा की फूटी हुई आंख में पत्थर की आंख सही सलामत है। समझ में नहीं आता कि कातिल कौन है और क्यों ये सातिर खेल खेल रहा है, क्यों ये मौत का दहशत फैला रहा है, वो इतने कत्ल क्यों कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है, आखिर इन कत्लों के पीछे उसकी इरादे क्या है, उसके षड्यंत्र क्या है। हमारे शक के दायरे में तीन शख्स थे, सविता, शिवा और जयवीर सेठ की छोटी बेटी रीना। सविता और शिवा का तो कत्ल हो चुका है, अब रीना बाकी बची है। लेकिन रीना इतने सारे कत्ल क्यों कर रही है? उसका दुश्मन तो सिर्फ फजलू ही था, फिर उसने कल्लू, मंगू और शिवा को क्यों खत्म कर डाला? कल्लू, फजलू, मंगू और शिवा का कत्ल सुनहरी मूठ वाले चाकू से हुआ है, जबकि सविता का दूसरे चाकू से। यानी कि सविता का कातिल अलग है। हो सकता है बेटे कि कातिल एक ही हो, वो सविता का दूसरे चाकू से कत्ल करके कानून को धोखे में डालना चाहता हो। गुरु, इस बैग में क्या है? अंतरिक्ष की निगाह कोने में रखे काले बैग पर पहुंची। वो बैग के पास पहुंचा। बैग काफी बड़ा था और वजनी भी था। उसने बैग की चेन खोली और चौंक कर दो कदम पीछे हट गया।
क्या हुआ, क्या है इस बैग में? अभी दिखाता हूँ सर। अंतरिक्ष ने बैग में हाथ डाला। बैग में दो कटे हुए हाथ और दो कटे हुए पैर थे। कातिल ने हाथों को कोहनियों से तथा पैरों को घुटनों से मोड़कर बैग में ठूस रखा था। अंतरिक्ष ने बड़ी मुश्किल से उन चारों अंगों को बैग से बाहर निकाला। चारों हाथ पैर लहू लुहान थे। ये तो मंगू के कटे हुए हाथ पैर है, भारत ने चौंकते हुए कहा। हाँ गुरु, यानी कि कम से कम मंगू और सिवा का कातिल तो एक ही है। एक काम करो अंतरिक्ष, पास के पुलिस स्टेशन को फोन करके राघव को बुलवा लो। पुलिस स्टेशन पर वायरलेस पर राघव को सूचित कर दिया जाएगा कि वो यहाँ चला आए। मैं इस बार ऑफिस से जासूसी का कुछ सामान ले आया हूँ, तब तक मैं यहाँ की कार्यवाही पूरा करता हूँ। ओके गुरु, जाता हूँ। इतना कहकर अंतरिक्ष वहां से चला गया। भारत ने जेब से आतिशी शीशा निकाला। उसे वहां दो जोड़ी जूतों के निशान दिखाई दिए। एक जूता तो 7 नंबर का था और दूसरा 9 नंबर का। जूतों के निशान बता रहे थे कि दोनों कातिल खोली तक होकर आए और वापस भी उसी रास्ते से गए। वो निशानों के सहारे गैराज के बाहर गया। बाहर किसी कार के पहियों के निशान थे और वे वही निशान थे जो कि सविता का किडनैप करने वाली कार के थे। कुछ मिला गुरु? तभी वो वहां अंतरिक्ष भी आ पहुंचा। 7 और 9 नंबर के जूतों के निशान, 9 नंबर के निशान 7 नंबर वाले जूतों से गहरे हैं, यानी कि 9 नंबर का जूता पहनने वाला काफी भारी इंसान है। फोन किया? हाँ गुरु, राघव मामा मंगू की लाश के पास थे। उनको पुलिस स्टेशन पर वायरलेस पर खबर कर दी गई है, बस यहाँ पर आते ही होंगे। आओ भीतर चलते हैं। दोनों भीतर खोली में गए। भारत शीशे से लाश और चाकू को चेक करते हुए बोला। शिवा की गर्दन पर सफेद रंग का बारीक धागा सा है। मेरे ख्याल से एक कातिल ने शिवा को वश में करने के लिए अपनी भुजा शिवा के गर्दन में डाले रखी। उसने चमड़े की जरकीन पहनी थी और जरकीन की आस्तीन पर सफेद बाल लगे हुए थे। वे बाल ही शिवा की गर्दन पर लगे हैं। दूसरे ने चाकू से प्रहार किया। दोनों कातिलों ने ही हाथों पर ग्लव्स चढ़ा रखे थे, इसलिए उनकी उंगलियों के निशान मिल नहीं सकते। यानी कि कातिल जरूरत से ज्यादा चलाकी दिखा रहा है। उसने आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर डाले हैं। ऐसे में हमें दूसरों की सहायता भी लेनी चाहिए। क्या मतलब बेटे? मतलब यही कि हमें मृतकों के संबंधियों से जानकारी लेनी चाहिए। उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है कि हमारे काम को रास्ता मिल जाए, जैसे कि शिवा का शराबी नौकर। हो सकता है कि वो हमें कोई काम की बात ही बता दे। अरे हाँ, मैं शिवा के उस नौकर को तो भूल ही गया। हम अभी बाहर से ही आए हैं, वो कहीं दिखाई नहीं, पीकर पड़ा होगा यही कहीं। बाहर चलकर ढूंढते हैं उसे। वे दोनों मुड़े। दरवाजे पर वही नौकर खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ था और आंखों में अविश्वास की झलक। मेरे उस्ताद को किसने मारा साहब? उसने अश्रुपूर्ण आंखों से शिवा की लाश को देखते हुए पूछा। जिन्हें तुमने इस खोली में आते हुए देखा था, आप पुलिस वाले हैं ना साहब? ऐसा ही समझ लो साहब। उसने दोनों हाथ जोड़े। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, बस प्रार्थना ही कर सकता हूँ। उस्ताद के कातिलों को छोड़ना मत साहब, उन्हें पकड़कर ऐसी सजा देना साहब, ऐसी सजा देना कि उसका गला अरुंध गया। अपुन का कोई नहीं रहा साहब, अपुन नाली का कीड़ा था, न माँ का पता था न ही बाप का। उस्ताद ने अपुन की परवरिश की थी, अपुन को काम सिखाया। उस्ताद मारामारी करते थे, औरतों की इज्जत भी लूटा करते थे, मगर अपुन के वास्ते तो खुदा थे। देखो क्या नाम है तुम्हारा? सलीम साहब। सलीम, तुम चाहते हो ना
कि तुम्हारे उस्ताद के कातिल को हम पकड़े सजा दे। भारत उसके कंधे पर हाथ रखकर खोली से बाहर को चला। हाँ साहब, सलीम भी बाहर को चल रहा था, अंतरिक्ष भी उसके पीछे चल रहा था। लेकिन साहब, सलीम ने भारत की बात को काटा, मैंने उनका कातिल को सिर्फ पीछे से ही देखा था। कातिल को छोड़ो, तुम अपने उस्ताद के बारे में बताओ और उस्ताद के रिश्तेदारों या दोस्तों के बारे में बताओ। उस्ताद का कोई रिश्तेदार नहीं है, हाँ तीन पक्के दोस्त हैं। क्या नाम है उनके? फजलू, कल्लू और शिवा। क्या? भारत और अंतरिक्ष चीखे। आप क्यों चौंके साहब? सलीम ने हड़बड़ाकर पूछा। तुम सच कह रहे हो? फजलू, कल्लू और मंगू दोस्त थे शिवा के? जी साहब, दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही पक्के दोस्त। चारों का दिखावे को भले ही अलग अलग धंधा था। आगे बोलो, डरो नहीं, तुम्हारे उस्ताद के बाकी तीनों दोस्त भी मारे जा चुके हैं। भारत ने सलीम को हिचकिचाते देखकर बात बनाई, ताकि सलीम सारी बातें खुलकर बता सके। आश्चर्य व्यक्त करने के पश्चात सलीम ने कहा, चारों दोस्त ही गलत आदत के थे साहब, वे हर गंदा काम करते थे, कई बार जेल भी जा चुके थे। पुलिस से तंग आकर ही मंगू ने मुर्गी खाना, फजलू ने ढाबा और कल्लू ने दारू की दुकान खोली थी। मेरी आंखों के सामने ही चारों ने कई बार औरतों और लड़कियों की असमत लूटी थी। चाकूबाजी तो वे चारों रोजाना ही। ठहरो सलीम, अंतरिक्ष ने उसे टोका, ये बताओ कि चारों के पास कैसे चाकू रहते थे? किसी के पास सुनहरी मूठ वाला चाकू भी रहता था? नहीं साहब, चारों के पास सादे रामपुरी चाकू ही होते थे। क्या चारों में से किसी एक का बाकी तीनों से या फिर दो का बाकी दो से झगड़ा हुआ था या हल्की सी कहासुनी हुई थी? कैसी बात करते हो साहब, चारों एक दूसरे पर मारते थे। भला मजाल थी किसी की जो उनमें से किसी को कुछ कह सकने की भी बाकी तीन भीड़ जाते थे। अगला सवाल अंतरिक्ष ने बड़े ही काम का पूछा, तुमने मंगू की बहन सविता को तो देखा होगा, क्या तुम्हारे उस्ताद और कल्लू ने सविता के साथ कभी ऐसी वैसी हरकत की थी? कैसी बात कहते हो साहब? सलीम का चेहरा तमतमा गया। सविता दीदी हर साल सबको राखी बांधा करती थी, चारों दोस्त सविता को बहन की तरह पूछते थे। तुमने कभी चारों में से किसी को सेठ जयवीर की बेटी रीना का नाम लेते सुना था? सेठ जयवीर? उछला सलीम। साहब, चारों ने जयवीर की बेटी की असमत लूटने की कोशिश की थी और उसके चक्कर में जेल भी गए थे, लेकिन छोटी बेटी रीना की नहीं, बड़ी बेटी पूनम की। पूनम की? पूरी बात बताओ। हुआ यह था साहब कि पूनम की सुंदरता पर रिझकर चारों ने पूनम को पकड़ा और एक नजदीक के पार्क में ले गए। वे पूनम को लूट भी लेते, लेकिन इन वक्त पर सेठ दीनानाथ वहां पहुंच गए। दीनानाथ बहुत तगड़े हैं, उन्होंने नशे में धुत हुए चारों दोस्तों को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। दीनानाथ ने चारों को धमकी भी दी थी कि यदि पूनम को आंख उठाकर भी देखा तो वे चारों को जान से मार देंगे। चारों दोस्तों ने भी दीनानाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। ये बात मुझे तब पता लगी थी जब चारों जेल से छूटकर आए थे, लेकिन वे चारों सेठ दीनानाथ से डरते नहीं थे। तभी तो क्या? भारत ने बेग्रता से पूछा। चारों ने पूनम को गोल मार्केट में पकड़ लिया और जीप में बैठाकर अपनी बाग में ले गए, लेकिन पूनम के शोर मचाने पर पब्लिक सहायता को पहुंच गई। चारों पूनम को फिर कभी देखने की धमकी देकर भाग लिए थे। ओह, ये तो तुमने नई बात बताई है गुरु, अंतरिक्ष बोला। मामला सुलझने की बजाय और ही ज्यादा उलझता जा रहा है। रीना के अलावा रीना की बड़ी बहन पूनम भी शक के दायरे में आ रही है। सेठ दीनानाथ भी सस्पेंस बन गया है। उसने अपनी जान पर खेलकर
जयबीर की बेटी पूनम को चारों गुंडों से क्यों बचाया? उसने चारों को ये धमकी क्यों दी कि चारों ने फिर कभी पूनम को छेड़ा तो चारों को जान से मार दूंगा? और चारों ने कल पूनम से रेप करने की कोशिश की तथा पूनम को फिर कभी देख लेने की धमकी भी दी, यानी कि अपने बचाव में पूनम भी चारों का कत्ल कर सकती है और अपनी धमकी के अनुसार सेठ दीनानाथ भी उन चारों को मार सकता है। राघव के आने पर सबसे पहले सेठ दीनानाथ को ही पकड़ेंगे। इंस्पेक्टर राघव भी आ पहुंचा, उसके साथ में पुलिस फोटोग्राफर और डॉक्टर भी थे। कमाल हो रहा है ये तो, वो परेशान मुद्रा में बोला। कत्ल पर कत्ल हुए जा रहे हैं। सविता के बाद सविता के भाई मंगू की हत्या हो गई और अब एक कत्ल और हो गया है। लाश कहाँ है? भीतर खोली में, भारत बोला। ये बताओ कि कविता की लाश के आसपास लहू और उसके वस्त्र मिले कि नहीं? हाँ मिले। लाश से थोड़ी दूर दक्षिण में एक झोपड़ी बनी हुई है, उसमें एक चारपाई भी पड़ी थी। झोपड़ी में सविता के फटे हुए कपड़े बिखरे हुए थे और चारपाई पर लहू के धब्बे थे। कातिलों ने पहले सविता से बलात्कार किया और फिर उसका कत्ल। बाद में उसकी लाश को झाड़ियों में डाल दिया। अपने कपड़ों को लहू से बचाने के लिए कातिलों ने दुपट्टा डाला होगा, वो झाड़ियों में फंसा हुआ मिला था। अच्छा तुम लाश को चेक करो, हम जरा सेठ दीनानाथ से मिलकर आते हैं, भारत ने कहा। क्या कोई क्लू मिला? राघव की आंखों में चमक उभरी। नहीं अभी नहीं। ओह प्लीज भारत कुछ करो, जल्दी से कातिलों को पकड़ो, सारे शहर में हंगामा मचा हुआ है, हम पुलिस वालों की तो आफत आ गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सारे शहर में पुलिस की थू थू कर दी है। चिंता मत करो राघव, भारत के स्वर में दृढ़ता थी। कातिल चाहे कितना भी चलाक क्यों ना हो, वो हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। लेकिन कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाए तभी काम बनेगा। अगर उसने दो चार कत्ल और कर डाले तो पुलिस की तो सारी रिपुटेशन ही खराब हो जाएगी। हम भी इंसान हैं राघव, हमारे पास अलादीन का कोई चिराग तो है नहीं कि घिस कर जिन को प्रकट करे और उससे कहे कि वो कातिल को पकड़ कर हमारे सामने लाए। मामा, अंतरिक्ष बोला, पहला कत्ल 12 बजे हुआ था, अभी 4 भी नहीं बजे हैं और अब तक 5 कत्ल हो चुके हैं, यानी कि 1 घंटे में 1 कत्ल। अब बताइए कि इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि कातिल बहुत जल्दी हमारे शिकंजे में होगा, भले ही वो बहुत ही शातिर दिमाग का हो, लेकिन वो हमारे कब्जे में जरूर आएगा। आओ अंतरिक्ष, देर हो रही है। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेठ दीनानाथ की मिल की तरफ चल दिए, क्योंकि अब सेठ दीनानाथ से ही उन्हें आगे की कुछ सुराग मिलने की संभावना थी, जो इस केस की मिस्ट्री को, इस गुत्थी को सुलझाने में उनकी मदद कर सकती थी। इसलिए वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेठ दीनानाथ की मिल की तरफ चल पड़े थे। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर्ण नॉवेल सीरीज षड्यंत्र, इसी सीरीज की ये पहली एपिसोड थी। आखिर कौन है ये कातिल जो हर एक घंटे एक एक कत्ल कर रहा है, यानी कि हर घंटे एक कत्ल, और कत्ल भी इतनी बर्बरता के साथ कि सामने वाले की रूह फना हो जाए। आखिर कौन है ये कातिल और क्या है उसकी ये षड्यंत्र, जानने के लिए सुनिएगा इसी नॉवेल सीरीज की अगली एपिसोड, यानी कि इसकी दूसरी एपिसोड, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी।
आदरणीय श्रोता कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है और उसका रिप्लाई भी मैं ज़रूर देता हूँ। सो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा कि षड्यंत्र नॉवेल सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी इसी सीरीज की दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।